फ्रेंड्स, मैं हूँ दानिश अकबर और आपकी खिदमत में कुरैशी वीडियो लेके हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप जो है CD70 के क्लच बॉक्स को जो है ना कैसे संभाल कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और इसके साथ साथ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। तो ये आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा है, ये इसका इसके अंदर क्लच प्लेट्स वगैरह क्लच प्लेट्स और प्रेशर प्लेट्स बैठती हैं। ये बॉक्स एक्चुअली जो है ना अगर ख़त्म हुआ हो तो ये आपको वाइट कलर के निशान आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये निशान आ जाते हैं। तो ये उसके बाद क्लच बॉक्स की आवाज़ होती है और क्लच बॉक्स में जो है ना ब्लेड्स ज़्यादा देर चलती नहीं है। तो ये न्यू क्लच बॉक्स है, ये आप देख सकते हैं। ये आपको मैं नया क्लच बॉक्स पूरा दिखा रहा हूँ और जो मैंने आपको पुराना क्लच बॉक्स दिखाया उसमें क्लच बॉक्स का मसला ये था, तो उसमें क्लच प्लेट्स की जो है ना प्ले आ जाती है और उसमें कट्स बांध जाती हैं, जो क्लच आपका ठीक तरीके से काम नहीं करता और बाइक भी आपका सही तरीके से नहीं चलता। ये वो ग्रारी है जो अंदर बैठती है क्लच के अंदर, ग्रारी कह दें या प्लेट कह दें। और ये इसके जो से ना स्प्रिंग वगैरह और ये दूसरी ऐसी है क्लच प्लेट के बाद जो सी ग्रारी आती है वो पड़ी हुई है। तो सबसे पहले आपने ये देखें इसके अंदर जो से ना निशान चार बने हुए, इसके ऊपर आपने रखनी है ये स्प्रिंग, चार स्प्रिंग होंगे, ये थोड़े से हार्ड स्प्रिंग होती हैं, ये आपको नज़र आ रहा है, इस जगह पे आपने रखनी है। इस तरीके से आपको इसको रखेंगे, उसके बाद जो है इसकी ये प्लेट आ जाएगी। इस प्लेट के ऊपर जो है इस प्लेट के ऊपर भी निशान बने होंगे, सर्कल बने होंगे, वो जो से सर्कल है इन स्प्रिंगों के बिल्कुल जो है ना ऊपर नीचे जो है ना एक साइड पर आएंगे, आमने सामने आएंगे। उसके बाद आपने इस तरीके से इसको बैठाना है। ये देखें क्लच आपका काम कर रहा है, ये आप नीचे करना स्प्रिंग। अब इस साइड पे भी चार स्प्रिंग लगती हैं दूसरी साइड पे भी, तो उसके बाद ये बॉक्स जो है कम्प्लीट होता है। तो ये आपके सामने ये देखें क्लच मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये क्लच काम करता है इस तरीके से। फिर हम ये रखेंगे ये छोटी इसकी जो सिकारी इसके अंदर क्लच प्लेट बैठती हैं, तो इसके ऊपर हम फिर क्लच कूलर को लगा देंगे। क्लच कूलर को लगाने के बाद आपने इसको टाइट करना है सही तरीके से ताकि ये प्रेस हो जाए नीचे की तरफ। इसको सही तरीके से आपने नीचे की तरफ प्रेस कर देना है। उसके बाद आपने ये जैसे छोटा स्प्रिंग है इस साइड पे इस तरीके से लगाना है, ये इसकी मदद से आप जो है ना टस्टर हो आप टस्टर की मदद से बिठा सकते हैं। थोड़ा टस्टर से मुश्किल बैठता है, लेकिन अगर आपके पास छोटा जो है ना चार मुंह वाला पिचकास हो जिसको चोरस कहते हैं, अगर आपके पास वो हो ना तो बहुत इजीली बैठ जाएगा। इस तरीके से आपने ये चार स्प्रिंग लगाने हैं। इस तरीके से चार स्प्रिंग आपके बैठ जाएंगे, इस तरीके से ये जो है ना बॉक्स कम्प्लीट हो जाएगा। फिर आपका जो है ना वो हो जाएगा। बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी जो सीन है आप बॉक्स अगर खुद चेंज करना चाहें तो ये कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, घर में भी कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से आप इसके नीचे की तरफ प्रेस करेंगे, थोड़ा से हार्ड होते हैं स्प्रिंग, थोड़ा मुश्किल लगते हैं। तो लिहाजा आप चोरस हो तो आपके पास चोरस पेचकस जिसे कहते हैं हम, स्क्रू ड्राइवर भी कहते हैं, तो अगर आप वो लगा लें तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए, तो उससे आपको बैठ जाएगा आराम से। इस तरीके से करके थोड़ा सा इसको बैठाएंगे, ये बैठ चुका है, ये हमारे आपके सामने हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इसके साथ साथ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको नई वीडियो आने वाली बर वक्त आपको मिल सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।